एक शख्स ने मुझ पे हमला किया पिछले 5 साल में। ये 9वां हमला है मेरे ऊपर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 5वां हमला है मेरे ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 70 साल के भारत के इतिहास में इस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर कभी हमले किए गए हैं। 9 हमले तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता एक भी इस किस्म का हमला आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया। पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जिसकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विरोधी पार्टी की सरकार के पास है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, बाकी हर राज्य के अंदर उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर में काम करने वाली पुलिस की है, लेकिन दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश में जिसके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनकी विरोधी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार की है। तो अगर मुझ पे हमला होता है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वो हमला क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये सारी बातें बात की हैं, लेकिन अगर हमला हुआ वो चूक थी कि सुनियोजित था, लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि चूक एक बार होती है, चूक 2 बार होती है, चूक 3 बार होती है, चूक 9 बार नहीं होती है। उसमें फिर लगता है कि षड्यंत्र है, उसमें फिर लगता है कि करवाया जा रहा है। जब से हम लोग राजनीति में आए हैं एक प्रश्न उठता है कि ये हमले क्यों करवाए जा रहे हैं। जब से हम लोग राजनीति में आए हैं ये लोग एक आम आदमी का राजनीति में आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर इस तरह से आम आदमी राजनीति में आते गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनका सबका एक परिवार है, इन सारे नेताओं का, कांग्रेस बीजेपी वालों का, इनका सबका परिवार है आपस में। ये बाहर वाले को, हम बाहरी हैं राजनीति में, एक आम आदमी को ये लोग राजनीति में बर्दाश्त नहीं करने देना चाहते। पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। इन्होंने मेरे ऑफिस पे सीबीआई की रेड कराई, इन्होंने मेरे घर पे मेरे बेडरूम के अंदर दिल्ली पुलिस की रेड कराई। बताओ मेरा क्या कसूर था। मेरे ऊपर 33 केस कर रखे हैं लोगों ने। मनीष सिसोदिया जी को कई घंटों तक सीबीआई ने इंटरोगेट किया। सतिंदर जैन के घर पे सीबीआई की रेड हुई, सतिंदर जैन के घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई, कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे 20 MLA को अरेस्ट किया गया, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं। इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, इन्होंने हमारे 21 MLA जानबूझ के गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारे MLA खरीदे जा रहे हैं, वो तो खैर प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं MLA खरीद खरीद के अब विपक्षी दलों की सरकारें गिराऊंगा। हमारा 1 MLA 2 साल पहले बवाना में खरीदा गया, 1 MLA भी 3 दिन पहले खरीदा गया। तो इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये नई पार्टी को कुचल दो, इन आम लोगों को मत आने दो, ये इनकी पूरी कोशिश। जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी पार्टी बनी है, हम हर संडे में चले ये लोग, तो ये हमले कराने लगे। ये 9वां हमला है, 9 हमले कोई कम नहीं होते। इनकी पूरी साजिश है कि किसी तरह से ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये हमें इस रास्ते से साफ करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से इनको फिजिकली हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है,
आज ये हमला मुझ पे नहीं हुआ, ये 9 हमले मुझ पे नहीं हुए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री पे हमला किया है। आज अगर मैं एक आम जिंदगी जी रहा होता तो मेरे पे हमला नहीं कराते ये लोग। इन्होंने दिल्ली की जनता का अपमान किया है, दिल्ली की जनता के ऊपर हमला किया है, और दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इसका बदला इनको जरूर देगी। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से, चूंकि जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ये लोग ये हमले करवा रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि पिछले 4 साल के अंदर हमने इतने काम किए हैं। हमने शिक्षा में काम किए, हमने स्वास्थ्य में काम किए, हमने बिजली में काम किए, हमने पानी पे काम किए, हमने सड़क बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, गरीब इलाकों के अंदर आज जा रहे हैं। और जिस तरह से जनाधार दिल्ली में जनता का बढ़ता जा रहा है और दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा पूरे देश के अंदर होती जा रही है, अब इनको ये चैलेंज लग रहा है कि अगर इस तरह से इनके अच्छे काम होते गए तो बाकी राज्यों के अंदर भी इनसे जनता पूछ रही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे। दिल्ली में सरकारी स्कूल 94% नंबर ला सकते हैं, 94% रिजल्ट आ सकता है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी और कांग्रेस वाले राज्यों में तो 50% 45% रिजल्ट आता है, दिल्ली में 94% रिजल्ट आता है। सबसे बड़ा हमारा कसूर है हमारा काम, ये काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैं दिल्ली की जनता का अपनी जान दे के भी एहसान नहीं चुका सकता। रात दिन 24 घंटे उनके काम के लिए लगा हुआ हूं, और मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इनके हमलों से मैं डरा नहीं हूं, इनका हर हमला मेरे को और मजबूत करता है। दिल्ली की जनता बिल्कुल चिंता ना करे, ये काम जारी रहेगा, और मेरा शरीर का खून का एक एक कतरा दिल्ली और देश के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। मेरी आखिरी सांस देश के लिए समर्पित रहेगी। इन हमलों से ये हमारा ना तो आवाज बंद कर सकते और ना ही ये हमारा साहस खत्म कर सकते। मेरी आखिरी सांस देश के लिए समर्पित रहेगी। इन हमलों से ये हमारा ना तो आवाज बंद कर सकते और ना ही ये हमारा साहस खत्म कर सकते। अब प्रश्न उठता है, ये कल वाला हमला क्यों कराया गया? जो हमलावर है उसकी पत्नी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि उनके पति बहुत बड़े मोदी भक्त थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोले, वो केजरीवाल से नफरत करते थे। तो एक चीज साफ साबित है कि मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इस हमलावर के जरिए, इस हमलावर को इसलिए भेजा गया, मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा इस देश के अंदर उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो। पूरे देश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत मत करना। जितने मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए उनमें भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उन शख्सों ने मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत की थी। आज इस देश के अंदर फेसबुक पे अगर कोई लिख देता है मोदी जी के खिलाफ, उसके खिलाफ फर्जी केस कर दिए जाते हैं। और आज एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो देश के खिलाफ जो भी नीतियां होती हैं, देश के खिलाफ जो भी चीजें की जाती हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे, और यही एक तानाशाह का निशान है, यही एक तानाशाह का कैरेक्टर है, एक डिक्टेटर का कैरेक्टर है। एक डिक्टेटर कौन होता है? जो अपने खिलाफ किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता। यह तानाशाही की निशानी है कि अपने खिलाफ हर आवाज को बंद कर दिया जाए, चुप करा दिया जाए, मरवा दिया जाए, उसके ऊपर अटैक करवाए जाएं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की इस तानाशाही की आवाज के खिलाफ आवाज उठ रही है।
कल से पूरे देश के ढेरों नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ममता बनर्जी, तेजस्वी, नायडू जी, अभी अभी विजयन साहब का फोन आया केरला से, उमर अब्दुल्ला जी, अखिलेश यादव जी, हेमंत सोरेन जी, शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी, और भी कुछ लीडर्स होंगे जिनके हो सकता है इसकी कड़ी निंदा की है। मुझे बेहद खुशी है कि देश इससे डरा नहीं है, देश मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहा है और देश इस तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसको ये लोग दबाना चाहते थे? कल उनकी पत्नी ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकता था। मैंने ऐसा पिछले एक हफ्ते में क्या कह दिया जिससे मोदी जी विचलित हो गए और उनको इस शख्स को भेजना पड़ा मुझ पर हमला करवाने के लिए। पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं अपने सारे इंटरव्यूज में प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने कई सारे टीवी मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं और मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में आखिर क्या रिश्ते हैं, और मुझे लगता है कि यह प्रश्न उठाने की वजह से कल का यह हमला करवाया गया है। और आज मैं आज सारे देश के सामने यह पूछना चाहता हूं कि मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में आखिर क्या रिश्ते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों के घर में घुस के मारा, और आतंकवादी कह रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। ये चल क्या रहा है? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि हमने आतंकवादियों के घर में घुस के मारा, और आतंकवादी कह रहे हैं कि मोदी 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 जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? इमरान खान ने चुनाव के 2 महीने पहले पुलवामा में आतंकवादी हमला क्यों करवाया? हमारी सेना ने पूरे शौर्य और पूरी हिम्मत और पूरे जोश के साथ बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके 300 पाकिस्तानी मार गिराए, और उसके बाद इमरान खान कहता है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। हमने 300 पाकिस्तानी मार दिए, इमरान खान कहता है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है ये देश जानना चाहता है। 2 साल पहले पठानकोट में पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर आतंकवादी हमला कराया, सुसाइड बॉम्बर्स भेजे, पाकिस्तान ने हमारा पूरा एयरफोर्स स्टेशन तहस नहस कर दिया, हमारे 7 जवान शहीद हो गए 2 जनवरी 2016 को, और उसकी जांच करने के लिए, पूरे वाकये की जांच, पूरे आतंकवादी हमले की जांच करने के लिए मोदी जी ने पाकिस्तान को बुला लिया। पाकिस्तान की ISI को कहा आप ही आके जांच, चिट्ठी लिख के बुलाए कि आप ही आके जांच कीजिए। ये मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में पिछले 4 साल से चल क्या रहा है? एक दिन मोदी जी हवाई जहाज उठा के नवाज शरीफ को बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहां बर्थडे मनाने चले गए। 2 देशों के प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी मिलते हैं, कई महीनों की तैयारी होती है, कई महीनों की तैयारी के बाद मिला जाता है। बिना बुलाए आप अपने पड़ोसी के यहां नहीं जाते? मोदी जी एक दिन हवाई जहाज उठा के नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने चले गए। ये मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में चल क्या रहा है? ये तो राष्ट्रवाद नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में। आज तक 70 साल के भारत और पाकिस्तान के इतिहास में किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को वोट देने की अपील आज तक कभी नहीं की, केवल और केवल इमरान खान ने की। और इमरान खान ने 2 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले पुलवामा में आतंकवादी भेज के आतंकवादी हमला करवाया, हमारे 40 जवान शहीद कर दिए। मैं सभी मोदी भक्तों से खास तौर से अपील करना चाहता हूं,
मोदी भक्त भी अपने देश के लोग हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, थोड़े से बहके हुए हैं। उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश की सोचो, अपनी आंखें और कान खोल के सुनो, देखो, पढ़ो। किसी व्यक्ति को देश से बड़ा मत कर दो, किसी व्यक्ति में अंधभक्ति मत करो। देश बहुत बड़ा है, लोग आते जाते रहेंगे, देश के बारे में सोचो। कल पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपना एक बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस का वो बयान, हमले के पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में सब तैयार कर लिया गया था। हमले के पहले सारी तैयारी कर ली गई थी कि हमला होगा, और हमले के बिग प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626 हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें।